प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो यूपी बेस्ट में स्टेट लेवल कैंप हुआ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अलग अलग चार आपके फॉर्मेट में एग्जाम होगा वीवीएम का, एओसेट, आईकास्ट, ईएसटी और आईसीक्यू। तो इन चारों फॉर्मेट्स में किस तरीके से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को मैंने कुछ बच्चों से बात करके और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। क्वेश्चंस क्या, हमने आपको वो मेथड बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमने पहला जो पार्ट है सेक्शन आपके एग्जाम का, अभी 5 फरवरी को होने वाला है लखनऊ बीबीडी यूनिवर्सिटी में स्टेट लेवल कैंप यूपी ईस्ट का, तो उसमें जो पहला आपका पार्ट है एओ सेट, यानी कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। नाम से इसको पता चल रहा है एप्लीकेशन ओरिएंटेड, यानी कि जो भी साइंस मैथ हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे लाइफ में क्या यूज है, किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम उन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, या कैसे आप एनालाइज करते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको दी गई तो उसको किस तरीके से आप आंसर करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन तो सेम नहीं हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन कुछ हमने टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं उन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। एओ सेट के अंतर्गत पहला जो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा वो होता है एवी टेस्ट। एवी टेस्ट का कह सकते हो या ऑडियो विजुअल टेस्ट, मतलब आपको सुन के और देख के कैसे किसी भी चीज को समझते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम को आप देख रहे हैं अपने आसपास तो उसको कैसे एनालाइज करते हैं, आपका व्यू उस पर क्या है, आप क्या सोचते हैं, ये सबसे पहला आपका होगा एओ सेट के अंतर्गत। और इसमें एक आपको शॉर्ट मूवी, 5 मिनट 10 मिनट की आपको दिखाई जाएगी, 5 मिनट हो सकती है, 10 मिनट हो सकती है, वो जैसा भी ड्यूरेशन हो, 2 मिनट की भी हो सकती है। तो शॉर्ट मूवी आपको दिखाई जाएगी और उस मूवी के आधार पे लगभग 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, मूवी ऑन एनी एनिमल और करंट प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग, क्वेश्चंस जो होंगे उनको समझ लीजिए उनका स्वरूप, वो सारे जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, बस टिक कर देना है ऑप्शन में, नहीं, वहां पे आपको व्यू देखना है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम दिखाई गई आपको उसमें, वो मूवी आपको किसी एनिमल से रिलेटेड हो सकती है, जैसे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, चीता जैसे अभी थोड़े दिनों पहले लाया गया है तो वो गायब हो गए हैं, क्यों गायब हो रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, कैसे उसको हम सुधार सकते हैं, तो उस ऐसे किसी एनिमल पे हो सकती है, या फिर करंट प्रॉब्लम्स जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कि जो हमारी वर्ल्ड इस समय पूरी मानव सभ्यता जिन समस्याओं को सामना कर रही है उनसे रिलेटेड वो मूवी हो सकती है, और उस मूवी से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव नेचर में होंगे, क्योंकि वहां पे आपका जो व्यू है, आपका सोचने का जो तरीका है, ऑन स्पॉट डिसीजन लेने का जो तरीका है, वही उसी से ही डिसीजन लिया जाएगा। तो पहला जो आपका टेस्ट होगा एवी टेस्ट यानी ऑडियो विजुअल टेस्ट, और उस टेस्ट में मूवी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे डिस्क्रिप्टिव, वो सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव नेचर में होंगे, यानी कि आपको उनका आंसर देना होगा। तो इसके बाद ये आपका टेस्ट हो जाएगा, ये टोटल आपका जो एओ सेट होता है ये 20 मार्क्स का होता है, तो वो मार्किंग किस हिसाब से डिसाइड करेंगे ये वहां पे उन पे निर्भर है, मार्क तो है बात नहीं कर सकते, लेकिन एओ सेट को उन्होंने कैटेगराइज किया 20 मार्क्स में, तो 20 में ही आपका ये पार्ट होगा। और दूसरा एक पार्ट होगा, कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी, जो सम क्वेश्चंस बेस्ड एप्लीकेशन ऑन, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, चार ही मेन आपके पार्ट हैं, इन पे बेस्ड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है, यानी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, तो वो प्रॉब्लम्स होंगी और उनको आपको लिख के देना होगा, उनका मतलब आंसर लिख के देना होगा। अब एमसीक्यू कुछ भी नहीं होगा,
फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि वन वर्ड टू वर्ड आंसर या वन लाइन टू लाइन आंसर भी हो सकता है, मतलब जो भी होगा वो डिस्क्रिप्टिव नेचर में होगा, आपका व्यू सोचने का जो तरीका है उसी का टेस्टिंग वहां पे होगा कि आप एज ए फ्यूचर साइंटिस्ट सोच रहे हैं उस प्रॉब्लम को लेके कि नहीं। तो हमने कुछ यहां पे आपकी मदद के लिए टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं, टॉपिक क्लास के हिसाब से चेंज होगा कि जो आपका क्लास है आप उसी का एनसीईआरटी, ये भी ध्यान रखना है ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी सिलेबस, जैसे जो भी आपकी क्लास है 6 to 11 रिस्पेक्टिव क्लास के अकॉर्डिंग आप तैयार करके जाएं, और अच्छा हो तो थोड़ा एक लेवल ऊपर, मतलब जैसे 6 के हैं तो 7th को भी स्टडी कर लें, 8 के हैं तो 9th को भी, इस तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉब्लम्स लगभग सेम है, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स में मैंने लिया है कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, कि जैसे लेंसेज जिनका हम यूज करते हैं, जैसे मैं ही एक चश्मा लगाया हूं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो इसके बारे में किस तरीके से सॉल्व करता है, क्या करता है, तो लेंसेज का कैसे हम यूज कर सकते हैं, मिरर्स का कैसे हम यूज कर सकते हैं, इनका यूज करके और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस और मिरर्स, ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, या फिर मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, कि मैग्नेटिज्म का भी अलग अलग फील्ड्स में यूज होता है, मेडिकल में भी यूज होता है, और भी कई तरीके से इनका यूज किया जा सकता है। तो मैग्नेटिज्म का कैसे हम यूज कर सकते हैं, यूजेस खास तौर से यहां पे ध्यान देने हैं आपको, यूजेस जो भी एप्लीकेशन, बहुत बात है ना कि ये एप्लीकेशन है, कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं, जो थ्योरी पढ़ी है, उसका एप्लीकेशन कहां पे, यहां पे भी यूजेस के बारे में ही पढ़ना है आपको, कि यूजेस हम कहां कहां कर सकते हैं, हर टॉपिक हर चैप्टर, खास तौर से जो आपके एनसीईआरटी में दिए जाते हैं हॉट्स, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस कह सकते हो, वो ही यहां पे आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग हॉट्स करके दिए जाते हैं एनसीईआरटी में लास्ट में क्वेश्चंस, या जो भी आपके बुक चलती है, जो भी सिलेबस है, तो उनको जरूर आप करके जाएं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। केमिस्ट्री में जैसे इंडिकेटर, हम लोग हल्दी का यूज करते हैं, भी इंडिकेटर है, या जो गुड़हल का फूल होता है वो भी एज ए इंडिकेटर है, तो उस इंडिकेटर का यूज करके हम पदार्थ कौन सा किस नेचर का है, एसिड है, बेस है, या क्या है, उसको हम जान सकते हैं। या जैसे हमारे जो और इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस, नेफ्थलीन, मिथिल ऑरेंज, इनका किस तरीके से इम्पैक्ट है अलग अलग मीडियम में, क्या ये कलर शो करते हैं, उसको भी समझना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू से भी हम का भी बहुत बड़ा रोल है, कि हमारे शरीर के लिए एक पीएच वैल्यू निर्धारित है, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, उसी पीएच लगभग न्यूट्रल, मतलब अपना जो बॉडी है वो लगभग 7 के आसपास, थोड़ा सा कम, 6.5 से 7.1 या 2 तक लाई करता है। तो पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। दूसरा है ड्रग्स वैक्सीन्स, केमिस्ट्री में ही आ जाता है, बायोलॉजी में भी ये पार्ट जा सकता है, कि ड्रग मतलब यहां पे है दवाइयों से मतलब है, कि विभिन्न दवाओं का इस्तेमाल, जैसे अभी जो कोविड आया था, कोविड से रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस आने हैं श्योर, तो वो यहां पे भी दे सकते हैं, या वो आगे भी, वैसे यहीं पे आने का ज्यादा चांस है। कोविड से रिलेटेड आप बहुत डिटेल में इसको समझ के जाएं, कि जो कोविड इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, इससे रिलेटेड चीजों को आप समझें, COVID-19 कोरोना वायरस डिजीज, फुल फॉर्म है इसकी, कोरोना वायरस डिजीज 19, मतलब 19 ईयर में आया था, 2019 दिसंबर से शुरू हुआ था, फिर आगे कंटिन्यू चलता रहा, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। तो COVID-19 से रिलेटेड केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं, कि किस तरीके से, क्या क्या समस्याएं इसमें हमको फेस करनी पड़ी, साइंस हमारा किस तरीके से इसमें रोल प्ले कर रहा था, ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम थी, तो उसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तुम यदि होते वहां पे एज ए साइंटिस्ट, तो हम क्या कर सकते थे ह्यूमैनिटी के लिए, तो वो चीजें आपके मैटर करती हैं। कि तो COVID-19 को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ के जाएं, और उसी पे अपना व्यू आपको रखना है। तो ड्रग्स वैक्सीन, जो वैक्सीन हमारे यहाँ निर्मित हुई, कौन कौन सी वैक्सीन है, उनका क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से उसने कंट्रोल किया, चाइना में अभी बहुत प्रॉब्लम है,
वहां की वैक्सीन इतनी हमारी अच्छी नहीं वो लोग बना पाए, लेकिन हमारे यहाँ की जो वैक्सीन है दोनों बहुत अच्छी है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो वैक्सीन हमारे यहाँ पे हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा देश खुद को सुरक्षित किया और अन्य देशों को भी उसने भेजा और वहां पे भी वो चीज कितनी कारगर रही, मतलब अपने लिए हम बनाए और दूसरे देशों को भी हमने मदद किया। बायोलॉजी में आ जाता है कि रिस्पिरेशन बाय प्लांट्स, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ज्यादातर रिलेटेड होंगी इकोसिस्टम और एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एनवायरमेंट और इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो रहा है कि इंसान तो बढ़ रहा है और सब कुछ घट रहा है, कम हो रहा है, एनवायरमेंट पूरा पोल्यूट हो रहा है डिफरेंट वेज में। तो जो वहां पे मैंने पहले जिक्र किया था ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, क्लाइमेट चेंज, ये इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं कि आप एज ए साइंटिस्ट इनके बारे में क्या सोचते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन एक और यहाँ पे छूट गया है, ओजोन लेयर डिप्लीशन वो इन्हीं का एक कॉन्सिक्वेंस है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, तो इसके बारे में भी ये भी इन्वायरमेंट स्टडी में ही आ जाएगा। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा है उसको कैसे, कौन कौन सी गैसें उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन गैसों को कैसे खत्म कर सकते हैं, जहां जहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन गैसेस को तो कैसे उनको हटाना है, क्योंकि इससे हमारे अर्थ पे यूवी रेज आ जाएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज आप समझते हैं कितनी खतरनाक है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यूवी रेज को कैसे हम इसको कम कर सकते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन को, इकोसिस्टम की जो कनेक्शन है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एबायोटिक का बायोटिक के साथ जो रिलेशन है वही इकोसिस्टम कहलाता है, कि हमको हवा भी लेनी है पानी भी लेना है, लेकिन यदि हवा और पानी सब दूषित हो जाएगा तो हम लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं जब तक एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम सुरक्षित कंजर्व नहीं करते हैं या उनको खराब होने से नहीं बचाते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम श्योर आनी है, तो इन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करें और इनको समझ के जाएं अच्छे तरीके से। तो लास्ट है मैथ्स, मैथ्स में कैलकुलेशन, मैथ का मतलब कैलकुलेशन से ही होता है, लेकिन कैलकुलेशन भी ऐसी होती है कि जैसे आपको क्या किया गया कि ग्राफ प्लॉट करना है, टू प्लॉट ग्राफ फॉर गिवन डाटा है, तो पहली चीज तो आपको ग्राफ अवश्य मिलेगा, एक आपको कोई प्रॉब्लम दे दी गई ये यहां भी आ सकता है या ईएसटी में भी आ सकता है। तो प्लॉट ग्राफ फॉर गिवन डाटा, कोई डाटा दे दिया गया और आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, पाई ग्राफ हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, पिक्टोग्राफ हो सकता है, वो कैसा ग्राफ है उसको आप पढ़ के ना अच्छे से। नेक्स्ट है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम, स्पीड डिस्टेंस टाइम ये बहुत कॉमन चीज है मैथमेटिक्स की और हमारे जीवन से भी रिलेटेड है, कि ट्रेन मान लीजिए किधर से आ रही है किधर से जा रही है, इतनी इतनी स्पीड है तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, इतनी इनकी लेंथ है, या वो प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस कर देंगे। बोट से रिलेटेड आ सकते हैं कि बोट जा रही है, करंट उसकी स्पीड इतनी है, करंट जो है वाटर का उसकी स्पीड इतनी है, तो उनमें आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम ये बहुत कॉमन टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन श्योर करने हैं मैथ में। तो ये मैंने आज जो बात की है एओसैट के बारे में कि एओसैट 20 मार्क्स का, मान लीजिए लगभग 10 ये हो गया 10 ये हो गया, ये मान लो ये कम हो गया 5 हो गया तो ये 15 का हो गया, तो इस तरीके से आप मान के रखिए एक पार्ट में ये और सेकंड पार्ट में ये, पहला पार्ट होगा एवी टेस्ट और दूसरा पार्ट जो आपका होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। थैंक यू।